नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभम। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी आने के कारण जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पूरे विश्व के कंप्यूटर व्यवस्था जो है चरमरा गई है। अभी हम इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर हैं। आप देख सकते हैं यह पटना एयरपोर्ट का नज़ारा है, जहां यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो भी चीज़ जो कंप्यूटर के माध्यम से हुआ करते थे, जो सामान का जो चेकअप हो या फिर बोर्डिंग पास का हो, सारा कुछ यहाँ कंप्यूटर के माध्यम से कराए जाते थे। अब सारा कुछ मैनुअल हो रहा है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट पर का यह नज़ारा है। हम चाहेंगे कि आप अंदर से देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर पहले फटाफट काम हुआ करता था, यहाँ लोग लाइन में खड़े हैं। अंदर का तरफ जो है सभी लोग लाइन में खड़े रहकर अपने अपने पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि 2 फ्लाइट जो पटना से मुंबई जाने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया है, और पटना से दिल्ली जाने वाली भी 2 फ्लाइट रद्द कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो डिस्प्ले पर है वो साफ दिखाया जा रहा है कि 2 फ्लाइट जो है, एक दिल्ली की फ़्लाइट और एक मुंबई की फ़्लाइट, काफ़ी देर विलंब होने के कारण जो है रद्द कर दिया गया है। और काफ़ी जो है विमान जो है विलंब से चल रही है। आप देख रहे हैं कि सारा विमान जो है विलंब से चलने की सूचना मिल रही है, और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जो सर्वर क्रैश हो रहा है, सर्वर जो डाउन होने की जो सूचना मिल रही है, जिसको लेकर के पटना एयरपोर्ट पर भी अच्छा खासा परेशानी यात्रियों को देखने की मिल रही है। हालांकि 2 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुके हैं और अभी तक इसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो पाया है। यात्री की समस्या जस की तस बनी हुई है और सारा कुछ है मैनुअल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि यह कितना जल्दी सुधर कर सामने आता है और सर्वर ठीक हो पाता है, उसके बाद ही यात्रियों की समस्या दूर हो पाएगी। शुभम निराला, बिहार तक, पटना।